हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गेम प्ले के लिए एक थंबनेल बना सकते हैं, कि मतलब कोई भी टाइटल हो सकता है आपका, कहे टेकिंग रिवेंज या 1v4 ऑन अरबी लॉबी, कुछ भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना बैकग्राउंड लाते हैं। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड है, ये फिलहाल ये है। तो ये देखें, इसकी क्वालिटी भी ज़रा हम ठीक करेंगे, बाकी इसको जो भी एडजस्टमेंट होगी वो भी करेंगे, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम इस पर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए। तो आप लास्ट पे ये इसे पोज करके आप सारी सेटिंग देख लेना। सो ये देखिए, अब हमारा पहले से काफ़ी अच्छा हो गया, पहले हमारा ऐसा था, अब ये देखिए ऐसा। तो अब इस पे हम इसकी करेंगे सिलेक्शन, इस इतने जो सा करेक्टर में इसकी सिलेक्शन करूँगा, बाकी सबको हम ग्रेडियंट देंगे। तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे मैजिक वैन टूल में, सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि ये लेयर आपकी कॉपी हो। तो ये इसने कर लिया कॉपी। अब थर्ड टूल जो सा हम उस पर प्रेस करेंगे, और जो सी ज़्यादा इसने सिलेक्शन की हुई है, जो अनवांटेड सिलेक्शन है उसे हम रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और ये बॉक्स को हम ऐसे ख़त्म, देन हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, आई मीन होल्ड करके रखेंगे, और ये देखें। अब मैं आपको बेसिक रूल बता देता हूँ इसका। अगर आप ऑल्ट होल्ड करके रखेंगे माइनस का आगे निशान, इसे आप ऐसे करके मतलब रिमूव करेंगे। अगर शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो इसे ऐड करेंगे। सो आपने अपने हिसाब से आप देखना है मुझे कहाँ पे शिफ्ट चाहिए या कहाँ पे ऑल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, हमें चाहिए शिफ्ट। सो शिफ्ट के होल्ड करके रखा हुआ है, देन ये देखें, ये इसने सिलेक्शन कर ली यहाँ पे। सो अब यहाँ पे सारी मैं सिलेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे प्रेस करेंगे हम कंट्रोल जे, सबसे पहले मैं ये भी कर लूँ। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, देन पीछे देखते हैं, ये देखें हमारा जो सा करेक्टर है वो बाहर आ गया। तो अब जो सा पीछे बैकग्राउंड है हम उसके देंगे ग्रेडियंट्स। तो उसके लिए हम जाएंगे ग्रेडियंट मैप पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सा जिंक है इसे आए ब्लू, इसे करेंगे ब्लैक में, देन इस ब्लैक को करेंगे कोई भी कलर में जो सा हमें चाहिए। तो मैं जाऊंगा पर्पल में, पर्पल, हाँ पर्पल में ये बेस्ट है क्योंकि हमारा एक करेक्टर भी इससे मैच हो रहा है। सो ये देखें, अब इस पे हम देंगे एक लेवल्स। सो लेवल्स के लिए हम इसे देखें जहाँ पे थोड़ा सा ये ब्राइट ब्राइट आ जाए वहाँ पे। अब इस पे एक न्यू लेयर बनाई है मैंने, इसे थोड़ा सा बड़ा किया, फ्लो इसका कर देते हैं कोई 10 के राउंड अबाउट, हार्डनेस 0, इसका कर करेंगे ब्लैक, थोड़ा सा ऐसे पीछे जाके हम। सो अब हमने ये साइड बॉर्डर्स जो से इनको दे दिया डार्किश कलर, ताकि हमें ये डार्क हो जाए और मेन जो सा हमारा फोकस ही आ जाए। तो अब इस पे हम प्रेस करेंगे अपने करेक्टर पे, करेक्टर पे प्रेस करके इसे देंगे हम कोई शेडोज एंड ओवरलेस। तो अब इस पे हम इसके नीचे जो सा हम देंगे एक न्यू लेयर, और उस पे देंगे आउटर ग्लो। तो आउटर ग्लो हम इस कलर में देंगे, तो कलर्स में जाते हैं, इसे करते हैं ये वाला कलर। तो मेरे रीसेंट वीडियोस में भी आपको पता है कि कैसे मैं आउटर ग्लो देता हूँ, इसका फ्लो थोड़ा सा 70 का राउंड अबाउट। तो अब हम इस पे यहाँ पे देंगे टेकिंग रिवेंज का टाइटल, जो सा भी देंगे टेक्स्ट। तो उसके लिए टी प्रेस किया हमने।
इसका फॉन्ट मैं अभी रखता हूँ बर्बैंक 1v4। इसको हम करेंगे यहाँ से टाइप ऑप्शंस में जाके से सारे टेक्स्ट को कैपिटलाइज। ये टाइटल हमारा बेस्ट है। देन इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, इसे ब्लैक किया हुआ हमने, ठीक है। 1v4 फॉर टीममेट रिवेंज, तो इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इस पे देंगे ग्रेडियंट, हम देंगे इसमें ये वाला। देन इस पे इनर शेडो देंगे, इनर शेडो में जाएंगे लीनियर डोज एट, उस पे बाद ओपेसिटी हमने की 100, साइज 0 एंड डिस्टेंस हम 6 रखेंगे फिलहाल। देन ये वाइट सेलेक्ट किया कलर, और ड्रॉप शेडो अभी फिलहाल नहीं देना चाहता मैं, ये देखें। और अब इस पे भी यही सेम जो से कॉपी लेयर करेंगे, उस पे करेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। देन इस पे हम ग्रेडियंट दे देंगे अपना ग्रे, तो अब इस पे हम देंगे ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो को करेंगे नॉर्मल, नॉर्मल के बाद थोड़ा सा साइज ज़्यादा किया, ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा की, डिस्टेंस थोड़ा सा 3 के राउंड अबाउट। देन हम जाएंगे उसके बाद ड्रॉप शेडो अगेन, मल्टीप्लाई को क्या नॉर्मल, ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा, डिस्टेंस कोई 5 के राउंड अबाउट, और साइज जो सब ज़्यादा करेंगे 1v4 फॉर टीममेट रिवेंज। तो अभी यहाँ पे आप लोगो दे सकते हैं, या अगर आपका कोई भी मतलब क्लाइंट कहता है कि ये मैंने बंदे किल किए हैं, उसका किल मैसेज का जो सा, वो यहाँ पे किल मैसेज भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए इसे मैं ज़रा करता हूँ कंट्रोल प्लस जी, इसे कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसे करेंगे कंट्रोल प्लस टी एंड देन वी विल गो टू रैप टूल। अब यहाँ पे हम करेंगे कस्टम की जगह फ्लैग, बैंड को थोड़ा सा -10 में जाएंगे, देन हाइट को 9 or 10 के अराउंड अबाउट। 1v4 फॉर टीममेट रिवेंज, ये हमारा हो गया डन। अब इस पे हम लोगो देते हैं वाइट कलर में, इस पे प्रेस करते हैं ग्रेडियंट दे देते हैं इसे भी। तो ये हमारा था, हमने देखे इतना प्यारा रेडी हो गया। अब मैं इस पे 2-3 और चेंजेस करूँगा पीछे। अब एक दोबारा मैंने उसके पीछे टेक्स्ट डालना है, तो उसके लिए मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा रिवेंज, उस पे लिखेंगे हम रिवेंज, ठीक। उस पे अब रिवेंज लिख के हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको करेंगे बिग स्नो। कोई और भी आप फोन यूज कर सकते हैं, जैसे डियाला या ब्लैक स्वॉर्ड, ऐसा कुछ फोट और जो आपको अच्छा लगे, मैं फ़िलहाल के लिए यही यूज़ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं यहाँ से, ये देखें यहाँ से रिवेंज, ठीक। अब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इसे यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको नॉर्मल को करेंगे हम ओवरले या सॉफ्ट लाइट में जाएंगे, तो मैं जाता हूँ आई थिंक सॉफ्ट लाइट में। Then we will go to blending option. ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया। तो हमने यहाँ पे हमने फिलहाल तो 1v4 के लिए किया, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दो बंदे हो सकते हैं, या आगे आपका ओपोनेंट आ रहा है उसको भी आप सिलेक्शन में लेके आप उस पर भी ये कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।